पीएसएल की हिस्ट्री का फ्लॉप फाइनल हो गया, क्राउड पूरा आया ही नहीं। फाइनल लीग का फाइनल, आपके सबसे बड़े इवेंट का फाइनल हो और उसमें भी आपका 100% स्टेडियम नहीं भरा। नीचे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है वुमेन्स प्रीमियर लीग, यहाँ पे आप देखें किस तरीके से क्राउड आया है अपनी टीम को सपोर्ट करा, क्योंकि फाइनल मैच था, हाउसफुल था, वैसे भी पूरी लीग में हाउसफुल रहा। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं यह है बांग्लादेश प्रीमियर लीग, यहाँ पे भी क्राउड वैसे नहीं आया था, लेकिन जब फाइनल आया तो फाइनल मैच के अंदर फुल हाउस आपको देखने को मिला। इसको भी छोड़ दे, आईपीएल के अगर आप फाइनल को देखें तो वहां तो वैसे ही हर मैच के अंदर हाउसफुल होता है, वैसे भी हाउसफुल था। बिग बैश की लीग अगर आप फाइनल देखें वहां पे भी आपको हाउसफुल मिला। अब जरा बात करते हैं पीएसएल की, पीएसएल के जितने भी फाइनल हुए अभी तक हर हर इस फाइनल के अंदर आपको हाउसफुल देखने को मिला, फिर वो चाहे कराची के अंदर क्यों ना फाइनल हुआ हो तब भी हाउसफुल था, लेकिन पीएसएल लाइन के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हाउसफुल हुआ ही नहीं। अब इसका जिम्मेदार लोग नहीं है, इसके जिम्मेदारी पीसीबी के ऊपर जाती है। पीसीबी के ऊपर इसलिए जाते हैं क्योंकि अगर आपको पता है कि इतनी टिकट हमारी सोल्ड हुई हुई है, आपके लीग का फाइनल है, तो आप फ्री कर दें, आप घुसाएं लोगों को, फ्री पासिस डिस्ट्रीब्यूट करें। ये भी नहीं आप कर सकते तो आप स्टूडेंट्स को इनवाइट करें, एटलीस्ट आपकी लीग का फाइनल है, आप उसको स्टेडियम को फुल हाउस तो करें ना। अगर आप फुल हाउस करेंगे तभी तो एनर्जी आएगी, लोगों को मजा आएगा, क्रिकेटर्स को भी मजा आएगा देखने का। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि किसी लीग का ऐसे जैसे कहते हैं ना हालो, इवन के जब टॉस हो रहा था तब तो लोग थे ही नहीं, मिड इनिंग्स हुई तो उसके अंदर हाफ स्टेडियम भर गया हुआ था, लेकिन हाफ फिर भी खाली था और 100% स्टेडियम भरा नहीं। तो इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जाएगी पीसीबी के ऊपर, दूसरी जाएगी टीसीएस के ऊपर, जिस इदारे को उन्होंने दिया था, इन लोगों से मैनेज नहीं हुआ काम, तो इसका सारा का सारा कसूर जाएगा पीसीबी के ऊपर और टीसीएस के ऊपर, क्योंकि ऐसा पहली दफा हुआ है। देखिए जो भी है, ये जो कराची का स्टेडियम है ये पिछले 8 साल से ऐसा ही स्टेडियम है, पहले भी यहाँ पे मैचेस हुए हैं हाउसफुल, हमने देखी है, इसी स्टेडियम के अंदर लोग आए हैं, हाउसफुल देखने को मिला है, यही सेम व्यू था, लेकिन इस दफा कोई अलग मसला है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। बायकॉट भी चल रहा है, उसकी वजह से भी इंपैक्ट पड़ा है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट ये है कि लोगों को समझ नहीं लग रही टिकट लेनी तो लेनी कहां से, लोग चाह नहीं रहे, लोग अब जमाना मोड हो चुका हुआ है, लोग कहते हैं कि हम घर बैठे टिकट को बुक करवाएं, लेकिन यहाँ पे रोला ये है कि आपको टीसीएस की आउटलेट के ऊपर जाके टिकट मिलेगी, तो इससे भी बड़ा ज्यादा जिसे कहते हैं ना एक साइड इफेक्ट आ रहा है, लोग ये नहीं करना चाहते। खैर अब जो होना था वो तो हो गया, आपने पीएसएल का फाइनल करवा दिया जिसके अंदर लोग तो आए नहीं, अब लेट्स सी देखते हैं क्या होगा। मुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद का फाइनल तो चल रहा है, लेकिन मैं आपको दोबारा ये चीज कह रहा हूँ कि ये पीएसएल की हिस्ट्री का आप लोगों ने पहली दफा ऐसा हुआ कि क्राउड फुल नहीं आया और पीएसएल के फाइनल को आप लोगों ने खुद खुद अपनी लीग को फ्लॉप करवा दिया।